इसी बीच गोलू मुर्मू गेंद को क्लियर करते हुए और गेंद यहां टच लाइन से बाहर जाएगी। दोहरा थ्रोइंग बॉल लिए था मालदा टीम लगी। प्रयास है ना और दोहा अजी थोड़ा बॉल अडी मोच चेस्टा उड़ा क्रम टुड़ी दम मालदा टीम बैंक का दिया सासु के देगी अरविंद मालदा सुंदर पासेस उड़े अजीत लगी नोटे कौन हो जुआ ऑफसाइड ना कॉल और सुंदर डिसीजन में एआर बोल रहे सोना राम सर द्वारा इनडायरेक्ट फ्री किक माध्यम से तुरंत गेंद बॉल को क्लियर लहा के दिए दो टीम रन जो तो खून घातक खिलाड़ी पर है टीम से कौन सुनील मुर्मू अड्डे के मजबूत खिलाड़ी बैंखा नोटे कौन बॉल पोजीशन रुका दो बना दिए दो मालदा टीम अजीत अड्डे मुझे क्लियर लहा का थया लेफ्ट फॉरवर्ड ले बैंखा नोटे कौन गोलू मुर्मू अड्डी सुंदर वापसी डोमेंस वाली क्षेत्र रे बॉल और बॉल दो नोटे कौन फ्री फ्री गोल लाइन कौन बाहर चलाओ ना और ये शुरुआती समय का मैच लगभग यहां पर तीसरा से ये चौथा मिनट प्रगति पर मालदा की टीम अच्छा बॉल उन्हें कौन चंद्राय लगी चंद्राय अभी मोच बाबर घोटे प्लेयर्स चला रहे होना बॉल डुबना प्रयास बैन कर दिए दो बॉल पोजीशन उका दो बिना अजीत उका दो मालदा टीम रन अजीत और डिमोच जर्सी नंबर 5 गति के लिए पर संतोष हो रहे बैन कर दिए दो आरबी थम कन हो कब जरे और थोड़ा गन हड़बड़ा हट ये लेमो कना गोल करते चिदा जेते मालदा टीम हो रहे नुकुआ प्रयास बना जेबोन पहिल हाफ रे गेंद मैच बोन वापसी दरिया उड़ाई ते थोड़ा गन जल्दी बाजी रे और भाई भाई ते नुआ पहिल हाफ ना समय चेल का होई दी कना भाई भाई ते नुकिन थला रहो का मैच ना रफ्तार कना वाला दो बढ़ा चला कना और नोटे खोन अच्छा क्रॉस है युवा मैन खान कन्हू वा अट्टी सुंदर हालांकि कन्हू अक्सर मिडिल जोन को नई खिलाड़ी गति है लेकिन तेहिं सेंटर डिफेंड डिफेंडर ना लाइन खोने गति कना और अच्छा भूमिका नहीं था भी कन्हुआ बेटा और गोलुवा कन्हुआ अडी मोच जोड़ीदारी सेंटर डिफेंडर रूप रे नोटे खोन अच्छा क्रॉस है जुआ उड़े जर्सी नंबर 10 जेठा उड़े बॉल थे हमें हावी एक अंधा है गया बैन खान लेफ्ट फुल बैक ना पोजीशन खोन जर्सी नंबर 3 उड़े साइलेंट हंसा उड़ा बॉल है छत्र खोन वापसी ये डुकड़ाई प्रयास अच्छा पास अड़ी सुंदर रफ्तार में बना टीम ने धबी किन खेलोड करना पहल हाफना मैच हालांकि एक शून्य थे तयम हजार गया मालदा टीम बेनखान मालदा हो जहां खराब दो भाई अति इकना बेनखान थोड़ा गन बॉल पोजीशन बरहे टीम पच रे हुआ हिट रे ज्यादा जगह करना पहल हाफ रे एक शून्य से लीड करने के बाद बरहेट की टीम का जो हौसला है वो बुलंद होता हुआ उनका मनोबल थोड़ा सा ऊंचा है कुछ समय के लिए और यहाँ पर एक ऑफसाइड का ट्रैक में फंसते हुए यहाँ पर ही टीम के खिलाड़ी और यहाँ से इनडायरेक्ट फ्री किक के माध्यम से गेंद को क्लियर करेंगे इस बार मालदा की टीम चल रहा है पीछे की ओर खेलने के बाद वहां पर चुनकू ने अच्छा पास निकाला बट वहां पर देखना होगा गेंद पोजीशन ये देखिए इतना सुंदर ग्राउंड पास जो है बरहेट की टीम आज खेलते हुए और मालदा टीम भी कम नहीं है मालदा वहां पर गेंद को आगे ले जाने का प्रयास और इसी बीच यहां पर एक लॉन्ग रेंज का पास खेल दिया है और इसी बीच ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ अन्यथा एक सुंदर गोल हो जाता बरहेट के द्वारा एक ओन गोल हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता था लेकिन थोड़ा सा दिशा की कमी
नसीना साइड ना प्रदीप नुडे बचाव माध्यम ते अडी मोज हेडिंग लाइक रूम टू ले गया बेनखान हल्का बचाव दिया बहोरे जोसनार बोल दो आको पोस्ट छे की चलावडा आरो ने गोलकीपर सकल थोड़ा कने चकमाई जोंग के मेता में कंफ्यूजन ना एकेन ना फ्रेम रे जोसलेन खान गेडी नुडे गोल को आसान तरीके ते आरो ने मीठे ओन गोल कते मैच बराबरी को बेनखान जरी नुडे किस्मत साथे बाव को बोल दो सेट ते उडुकना मीठे कॉर्नर बोल माध्यम ते हुई दरिया मौका और मालदा टीम आक्रमण नहीं थमी जारी की बेटा और इसी बीच ये देखिए सुंदर गोल और इस प्रकार से मैच में वापसी कर लिए है मालदा की टीम और दोनों ही टीम फर्स्ट हाफ के लगभग यहां पर 13 मिनट के अंदर जो है यहां पर दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर जर्सी नंबर दिखाएंगे हाथ उठाएंगे जो गोल वापसी किया है जर्सी नंबर 4 और ये देखिए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी है और डिफेंस लाइन के खिलाड़ी जो है फॉरवर्ड लाइन में आकर के एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में वहां जाकर के जो है एक सुंदर योगदान देते हुए अपने टीम के लिए और मैच को वापसी करने में बहुत बड़ा योगदान दे दिया है जर्सी नंबर 4 पहने हुए इस्माइल टुडू और पहिल हाफ रे की बना टीम में भी गुटे गोल कते बराबरी रहे आदि तो मैच रे मजा बुझो सीधा जेते बना टीम के भी गुटे गोल कते बराबर दे बना खेल और अब आएगा मजा इस फर्स्ट हाफ के बचे हुए समय पर और अच्छा सो टीम सी मुर्मू स्टार पर हिट टीम दूसरे गोल की तैयारी में ला को ऐसे नहीं तो ला को ये नीचे में चंद्रा का शॉट लेकिन ज्यादा गति दे बैठे गेंद पर और गेंद पोस्ट के ऊपर से निकलती थी दोनों ही टीम बहुत ही सशक्त और बहुत ही मजबूत टीम है क्योंकि यहां पर फर्स्ट ही हाफ के मैच में दोनों ही टीम का स्कोर लेवल 1-1 की बराबरी पर पहला हाफ का मैच लगभग कहीं ना कहीं आधा समय बीतता हुआ और फर्स्ट हाफ का यहाँ पर आधा समय लगभग लगभग यहाँ पर शेष रह गया है और जर्सी नंबर 12 पहने हुए खिलाड़ी वहां से जर्सी नंबर 8 वहां पर चंद्राय को खेलते हुए चंद्राय वहां से शॉट ट्राई करेंगे और ये देखिए इस बार भी गोलकीपर के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक होता हुआ उनके ग्लव से गेंद छूट गई थी लेकिन एक ढीला शॉट था इसीलिए गोलकीपर ने वहां पर पुनः गेंद पर रिकवरी कर लिया मालदा टीम अच्छा प्रयास है ना मेनखान बॉल उन्हें प्ले रही तो होना क्रमटो तो है ना जर्सी नंबर 10 सुमन सोरेना मेनखान ने तो की बॉल टच लाइन कौन बाहर चलाऊना प्रदीप बड़ी मौज भी धन गति दी थे मेनखान उन्हें कौन दिया भी बाल द टीम उन्हें बॉल कंट्रोल ना क्रमटो मेनखान बिल धन उन्हें बाबार उन्हें प्लेयर से दी मौज खटाओ कते उन्हें बोले पास लाओ का थे गया बैंकर ने तभी बॉल पोजीशन का दोबारा आर्मी था बाल द टीम जर्सी नंबर 19 लगी बॉल बैंकर ये तो मारपीट हम जर्सी नंबर 9 बैंक के तरफ जर्सी नंबर 19 से जाम का मिलन हंसदा मिलन दोनों ने सुबह ने गति कर दिया लेकिन उन्होंने कंचन को बैंकर ये तो बॉल पोजीशन आर्मी था माल द लगी बैंकर डिफेंस लाइन पर गोल मुर्मू ना बोले क्लियर किया चंद्रयान क्षेत्र रहे जर्सी नंबर 14 चुनको उन्हें पटी पहुंच लेफ्ट साइड आयरन फॉरवर्ड लाइन में खाली लगी उन्हें बोले सप्लाई हल द हालांकि धोना अभी पहुंच लपेटिंग शॉट अभी ऐसा सो कहते हैं जर्सी नंबर 19 रो का खिलाड़ी विलन हंसता और उन्हें बाबर गुडे प्लेयर सभी मुझे कटा होगा कि उन्होंने कौन सुबान बेन खान उन्हें कौन मीटे फॉल रही सारा नेक्स्ट मैच लगी अबेरन बना टीम रन टीम मैनेजर नीत कौन गया उगन बंद है ना और अबेरन प्लेयर सो नीत कौन गया लगभग लगभग सपड़ा होकर दो ककिन बन से दो ककु बन चिदा जेन दे नुकिना गाती चेल का मुझे दो आज सेकेंड हाफ ना इधर सांस होकर देगी अबे डार नेक्स्ट मैच हो भैया तबे ये तभी जर्सी नंबर 4 तो कोई तो नुआ मैच रे जनिंग गोल कत्या या टीम ने तभी संतुलन नहीं धो कर दिया और दौड़े कौन प्रदीप जर्सी नंबर 5 का तो ले हाफ ना फ्रंट बैक ना पोजीशन कौन मीड में तो हालांकि उड़ा बोले क्लियर हाल गया अपोनेंट टीम आ पेनल्टी क्षेत्र इर्द गिर्द रहे फैन खान ने तभी आर भी था जर्सी नंबर 12 रेकन हो ना बॉल सही तरीके से बाईपास नहीं दे रहे सपोर्टिंग लगी और बॉल उन्हें कौन टच लाइन कौन भारी आ गले कैच लसवा
है ना, दोनों ही टीम एक एक शून्य की बराबरी पर। देखना होगा अगला गोल कौन सा टीम के द्वारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यहां से सुमेन जर्सी नंबर 10 में मालदा की टीम राइट साइड के लगभग कॉर्नर जोन के क्षेत्र से यहां पर ब्रेक पास करने के बाद अजीत को खेल दिया है बाहर। अजीत एक प्लेयर को बहुत ही सुंदर चकमा दे दिया और अच्छा पास वहां पर निकालते हुए प्लेयर का इशारा, अच्छा क्रॉस वहां पर, पूरा मौका बन सकता है। अजीत ने अच्छा क्रॉस खेल दिया है समांतर दिशा में, लेकिन वहां पर जर्सी नंबर 4 पहने हुए सुमान कुमार का एक सुंदर क्लियरेंस। और इसी बीच वहां से लेफ्ट साइड के छत्र से डीप में गेंद को खेलते हुए और इसी प्रकार से जो है गोलकीपर सकल ने गेंद को अपने सुरक्षित ग्लव्स में ले लिया। कुछ समय पहले हाफ रहे नौका बुझेऊ का दया पर हेड टीम अपोनेंट ऊपर अड़ी जस्ती दबाव बनावदा बनकान भाई भाई थे मैच रे अड़ी जस्ती बदलाव जल्यमो कड़ा नोडे फिलहाल मालदा टीम हो आक्रमण ना तैयार रे जल्यमो कड़ा और सुंदर वापसी का गोल है चिदाजे लगभग उका दो 12 खन 13वां मिनट उका दो प्रगति रे तो है कना पहिल हाफ ना मैच इने समय की मैच है वापसी की दा ताने दबी बना टीम ने मोच संतुलन ने बना किना 1-1 शून्य का बराबरी रे नोडे खोन अगला गोल उकोटा टीम से खोन जल्यमो नोडे खोन जल्यमो सुनील नोडे ऑफसाइड ना ट्रिप है यहां से जर्सी नंबर 10 सुमेन सोरेन मालदा की टीम एक प्लेयर्स को बहुत ही सुंदर तरीके से चकमा देने का प्रयास प्लेयर का इशारा वहां आता हुआ यहां पर हमारे AR1 में सुनाराम सर का, लेकिन इसी बीच यहां पर चुनकू ने अच्छा पास निकाल दिया है वहां पर चंद्राय के लिए और चंद्राय ने जेठा को खेला है और वहां से जो है गेंद पोजिशन इस बार होगा बिरधन हेमरम वहां, लेकिन बिधन वहां गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए और हाफ डिफेंस लाइन के पोजीशन से और अटी मुझे शॉट लहा के दायर एंड सपोर्टिंग लगी और दुर्हम का गेम नीचे आक्रमक शॉट बैन करो देखो अजीत अटी मोज उना बॉल हासिल देना प्रयास हर एंड सपोर्टिंग लगी अच्छा पास मीटे समांतर दिशा रे जर्सी नंबर 5 को गति करिया प्रशांत सोरेन संतोवा मीठे सुंदर पास पेनल्टी क्षेत्र आसपास रहे और नितो भाई भाई थरुडे मालदा टीम हो आक्रमण ना तैयारी है जाने मोखना बैक करुडे बॉल ले ब्लॉक की ना पड़ी अडी मोइस धोनुडे सुनीले गति या बनते बैक कर बॉल नवा मोइस समांग रे टच लाइन कोन बाहर चलाओ करना आदिया सासु लेते के दुखिना पहिल हाफ ना मैच दौड़ रही मुझे दो चंदू बाबा स्पोर्टिंग क्लब घाघर जनी निये तलार गई बड़ी बॉज लहा से बॉल शूट लहा के खिलाड़ी वो बड़ी हिरन खेलते हैं नडे मलदा से कोई भी खिलाड़ी टीम चेतान रहे आक्रमण बना और आक्रमण टू मैन खान कन हूं जहां का बॉल नोडे चंद्राय लगी आ चंद्राय दोड़ी बॉल अक्वा हाफ कोई व सेंटर सर्किल परम तो लोई अड़ी बॉल पास से बनाओ कना और थोड़ा गन ने बॉल ने स्लो किया और शॉट लगी जगह सिंह राय था शॉट में जरूर लगाओ केगी मैन खान थोड़ा गन गोल पोस्ट पे बाहर थे कोई किसी तरीके का दिक्कत बा नोडे मलदा टीम मी गुटे गोल कते नीथो बना टीम बराबरी गी नेतलारे अजीत आर हो मीठे खिलाड़ी छका परम गते लहा से बढ़ा भी एक कुटुविदा मेनखान ओडे रे इचु बना से बॉल उनी की पड़ावा नी थो बॉल उनी की पड़ाव कड़ा मेनखान ये साथे पर हे थोड़ा गन संगे गाती लगी लहा से पास लहा किदा मेनखान ओडे नी 3 नंबर जर्सी हरो का मलदार अटी मोय मीठे खिलाड़ी चतुराई सला ओडे छका गते अच्छा पास ओडे संगे गाती लगी मलदार खिलाड़ी जर्सी नंबर 19 रे गाती का मिलन हस्ता हालांकि हंते नी 4 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी मकवा हाफ कोई बॉल जहल करते सुरक्षित उड़ गया है कुरुकुटू रहता है कना सुबान कुमार कोई तो हाफ रे बनाया नेतलार आर हो पेनल्टी एरिया रे बॉल विधि सेटर में आए कुरुकुटू ये था बैंखा डिने तलार की बॉल दो जहल करते बॉल टच लाइन का बॉल कुमार है का
नियाबाद ने गती मीठे घमासान मैच पुण्यला केवटा टीम एफसी केवटा टीम आर घागर जनी तलार है नियल क्वाबुन होना लगे हो तैयारी इन्हें लियाम दानवा उत्तर नखा रहे बार बाप तुम्हें केवटा टीम भी घड़ी बात खाएगी उनको फील्ड को बोलो हाँ जबकि उनको उनको कहते हैं झंडू बाबा स्पोर्टिंग क्लब घागर जनी विरुद्ध है नियत ला रहे मीठे खिलाड़ी बुकिंग तुलू संभवतः वहां दोनों 50-50 चैलेंज खतरनाक तरीके से और इस वजह से दोनों खिलाड़ी को यहां येलो कार्ड दिखाया गया है। इसी बीच गेंद को टैकल करने की कोशिश खूबसूरती से गेंद को अच्छा पास निकाला है लेकिन बीच में ही बरहेट के खिलाड़ी 11 नंबर ने थोड़ा सा पास बढ़ाया साथी खिलाड़ी के लिए लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से थोड़ा सा गेंद टर्न होकर मल्ला के क्षेत्र में और मल्ला ने आगे की ओर गेंद को बढ़ा दिया है और मल्ला के 12 नंबर जैसी बने हुए खिलाड़ी रूसी मुर्मू गेंद को पेनाल्टी क्षेत्र में गेंद को क्रॉस करने के इरादे से गेंद को एक शॉट लगाया था लेकिन गोलकीपर के हाथ में गेंद जाती हुई सकल हमरम है गोलकीपर पर हेड की ओर से और फिलहाल हाफ लाइन से सुभान कुमार गेंद को लेकर काफी तेज गति से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा वहां पर क्रॉस पास किया लेकिन थोड़ा सा वहां विपक्षी खिलाड़ी को वहां चकमा नहीं दे पाए और अच्छा पास यहां अजीत के लिए और फिलहाल देखना है अजीत तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश अजीत का जो हेयर स्टाइल है पूरी तरह से मुंबई सिटी एफसी के एक खिलाड़ी मुझे याद आता है विपिन सिंह हाल फिलहाल में वो डोरंड कप में खेल रहे थे कोलकाता में और इस बार का जो डोरंड कप हुआ था मुंबई सिटी और बेंगलुरु एफसी के बीच और यहां पर सुनील छेत्री और रॉय कृष्णा जैसे स्टार के बदौलत डोरंड कप 2022 यहां बेंगलुरु एफसी की टीम ने जीत दर्ज की है कॉफी लाए मैंने उबेर रे नुआ टा मते बोन चू कदा नुआ थोड़ा सा वहां पर खिलाड़ी गिरते और इस वजह से रेफरी को यहां पर एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के लिए सारा होता हुआ जर्सी नंबर 11 आउट जर्सी नंबर 17 ये बंगाल की ओर से और इस तरह से किया डडी मल्दा की टीम की तरफ से जर्सी नंबर 7 मैदान के अंदर आते हुए अविनाश सोरेन फटला तेज गति से गेंद को लेकर आगे जाने की कोशिश बहुत ही खूबसूरती से पुश किया आगे की ओर लेकिन देखना है यहां पर जर्सी नंबर 10 गेंद को लेने की कोशिश पेनल्टी बॉक्स के अंदर अंदर जा चुके हैं खतरनाक एरिया में गेंद अभी भी यहां पर मौजूद है और मल्दा की टीम गेंद को खतरे से बाहर निकालने के लिए पूरे जदोजहद करते हुए लेकिन गेंद टच लाइन से बाहर निकल गई है नवा नखा बॉल का चलाव करना बॉल टच लाइन का बॉल बाहर एक घड़ी बाद तिहिना अंतिम गति मीठे टीम नियामे को बार बार तुलई केवटा टीम और उनको विरुद्ध रहे गागर जनी टीम रेड मैनेजर थे हजारों जवाब सेकंड हाफ रिया खेल चला कर होना थे आपे हो रेडी तहन पे और खिलाड़ी का सूची को एकदम सही तरीके थे होना को आपे दुरुस्त दोहे तो उन पे नवा के नियम ओका दो नितो केवटा टीम को दोई कर दिया की खेल लहर बाबा सही समय रहे हम बढ़ा गया सेकंड हाफ दबी थे रेडी हुई जोड़ा अच्छी टीम या पहचान अच्छी मैनेजमेंट या नवा पहचान कर बंगाल टीम लंबा करारा शॉट नीट नीट बोलाओ कान सेकंड हाफ रे अविनाश लगी मैनखान बॉल दो टच लाइन को बॉल बाहर अजीता पास तेहीन थोड़ा गन दा के ये थे दर्शक अपेक्षा कृत थोड़ा गन को मिला हुआ और तेहीन मौसम खराब था का ये थे आई माहौर पसे दुमा हो कोड़ा कोई खिलोड़ नियल में थे उड़ुकाओ को मैंने था आर को मैंने पसे दार ले फसावा मैं थे पसे तेहीन
दर्शक थोड़ा को कम गया मनखान सबई बिना गपा बिना बियां से हों और गपा दो ग्रुप बी रे एक से बढ़कर एक स्टार टीम इनदा ग्रुप बी खोज गपा बोलाम को गपा ये तलारे पर हिट लिया अच्छा क्रॉस मनखान मलदार खिलाड़ी खड़े खड़े जमीन आसमानी शॉट लगा करते अविनाश लगी बॉल बढ़िया खिलाड़ी गेंद रेपेज आखिरकार बॉल अड़ी मज कंट्रोल करते अच्छा पास छह नंबर थोड़ा गन बोले पसीर चुकेदा और ये जहाँटा कोई नुकसान बा हालांकि जो छा पर बेहतरीन अवसर बनाया था गोलकीपर को भी चकमा दे चुके थे लेकिन वक्त रहते वहां गेंद को खतरे से बाहर निकाल दिया सुबाद ने अन्यथा यहां लगभग लगभग 95% गोल में कन्वर्ट हो चुका था और एक बार फिर से यहाँ अच्छा पास निकाला है वहां जीत के लिए राइट आउट से बंगाल के खिलाड़ी आगे बढ़ पाते या नहीं हालांकि वहां रक्षक पंथी उनको टैकल करने के लिए लगे हुए हैं जर्सी नंबर 5 में प्रदीप हेमरम परेड की ओर से और फिलहाल हाफ लाइन से गेंद क्लियर कर ली गई है और तेज तर्रार हिट बंगाल के द्वारा और बॉल टच लाइन से बाहर निकलती हुई अगर नवा टीम से खोए अगर अमल खाए किया डेडी मल्ला से खोए इस्माइल टुबुल का खिलाड़ी ओकोय दो मीठे गोल चुके होगा साइलन हसदा प्रसन्नता सोरेन लखीम हेमरम मिलन हसदा मजीद सोरेन सुमेन सोरेन जैसे खिलाड़ी जबकि रूसी मुर्मू और पप्पी बास्के जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद बिना हुआ यह थला रहे गोलकीपर सुमेन हसदा हवा हवाई शॉट या गोल एरिया को हालांकि जर्सी नंबर 10 से बॉल रुड़ है इकना और सुमन सोरेन मिथाओ सॉरी नोडे जर्सी नंबर 10 जीठा मुर्मू ने संभवत नोडे बॉल संगे गाते लगे थ्रोइंग पास बढ़ा दिया कुरुमुटु मेनखान 3 नंबर होते थे नोडे साइलेंट हंसता लंबा बॉल है क्लियर को कदर बनार की नेलदा नीतो लंबा लंबा हिट लगा करते है जहल का ते नमा सेकंड हाफ रिया का समय के ना नमा जहल का ते कटाव रिया की पुरु मुटु इधा इस बीच बहुत ही सुंदर पास चंद्राय के लिए आगे निकलने की कोशिश पिछा गेंद छिटक कर लेकिन ऑफसाइड का फ्लैग असिस्टेंट रेफरी सुनाराम जी के द्वारा ऑफसाइड के ट्रैप में पहले ही 11 नंबर अंदर थे और इस वजह से वीरेंद्र को ऑफसाइड करा दिया गया फिलहाल बहुत ही सुंदर गुड ड्रिबलिंग करते हुए लेकिन थोड़ा सा लेट चाह रहे थे टैकल करने की कोशिश किया और रेफरी का इशारा वहां फॉल का हुआ है एक बार फिर से यहाँ सुबान का अच्छा पास देखना है यहाँ एक सुंदर मौका है फर्स्ट पोस्ट को टारगेट करके शॉट लगाया था यहाँ 11 नंबर जर्सी पहने हुए वीरेंद्र हेमरम ने लेकिन यहाँ कोई किसी तरीके का खतरा नहीं चंद्राय हेमरम ने अपने टीम के लिए एकमात्र गोल दागा है इसी बीच चंद्राय का शॉट थोड़ा सा वहां फ्रेम में लगी नहीं ऐसा लगा कि नेट के अंदर गेंद जा रही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मलदा की टीम बाल बाल बच गए इस दूसरे हाफ में दोनों टीम एक एक गोल के साथ इस दूसरे हाफ में फिलहाल एक दूसरे को अच्छा चुनौती देते हुए पहल हाफ रिया गाती रही मीमी गुटे को गोल आता मनखा नियत ला रहे मीटे कॉर्नर की चंद्राय अड़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी के नए बढ़ाया गया बोल ब्रेट एरिया रहे साहबगंज छतरा रड़ी नया चर्चा और पाकुड़ हो अड़ी हद तक उन्हें खिलाड़िया चर्चा हमेशा अड़ी लंबा समय को अनुभव बनाते अभी थे पानी तला रहे डायरेक्ट हिट है लगाओ किताब हार बॉल गोलकीपर आती रहे चलाओ ना सेकंड हाफ रिया गति तिही ना चला के ना वहां तो तिही ना तिसार गति नहीं तो किया डड़ी मलदा और ब्रेट तला रिया गति गपा ग्रुप बी रे कोई टीम मिना को एनआर के भी धाइन ले अब उन धाइन ले दोड़ा बुदा गपा पहिल को गातिया एफसी राज प्लस 2 पाकुड़ और एफसी अर्तापुर तला रे गाती हुई अडी घमासान के हां हुआ के उम्मीद था गपा पहिल मैच गपा सेकंड मैच हुआ
जतो कोई सुंदर खिलाड़ी उम्मीद बिना एफसी सारजम बगान सिजवा और उनकुद को गाती है एफसी बुकारो सुमे गपावा थर्ड में तहना एफसी जीटीआई पंडू घाट रांची और उनकुद को गाती है एमएसपीटी गोड्डा तलर गपावा उका चौथा मैच हुआ सेल एफसी सेल को यहां गपाबू बीच को हजु बना सेल एफसी आ उकुद को गतिया पकुआ हार्ट जूनियर ददोस बाबू गुराब मालदा गपा उकुद को गतिया चौथा मैच तो नवा को गपा आठ गोटे नया टीम को नेल ल्याम कुआ आर ग्रुप बी रे हडी मौज मौज टीम जतो को फेवरेट टीम मिना कुआ गपा पु नेल दाडी कुआ नाते इंतजार बु ताएना गपा नवा हिहिड़ी पिपीड़ी क्लब सिवली डंगा सफारम से खोया पे को नेवता बरती तिहिन रगी ले माओ पे हार निया उत्ते दो चिदा जे जतो बन बढ़ाए गया दिबी कली उत्ते रिया होकना अदो दिबी पूजे ये थे दो सहरा रिया उत्ते का निये थे एमा होड़ मिला कुरे ना होते यारे नितो छुट्टी बड़ा कना बुरे महोड हार फुटबॉल खिलोड़ रिया होड़ी मोइन जुनास लासार है ते नुड़े सफारम रे नुड़े ना कार्यक्रम नुड़े आयोजन करा आर अन बड़ाई चुपना एक तारीख नुड़े ना फाइनल हुई बा एक तारीख रिगे निया टूर्नामेंट रे विजेता और कोई निया भाग चैंपियन को बनाऊं को तो एक लाख को यामा सेकंड स्थान रहता है बला 80,000 को पड़ा बा और थर्ड रे तो 15,000 और पुना प्राइज हो बना 15,000 की अदर नुमा को सिर्फ कोटा टीम को हमेटा नहीं है 2022 रे उन्हें हिहिड़ी पिपीड़ी क्लब सिवली डंगा सफारम खोए उन्हें तो हाँ एक तारीख धबी की अंतिम रिजल्ट बहुत बढ़ाया तो शानदार मुकाबला चलता बा और एक जी मुझे लगता है कि दोनों टीम एक एक गोल पहले ही कर चुके हैं अब यहाँ किसी भी तरफ से अगर ऐसी अवस्था में अगर दूसरा गोल अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मैच को एक विनिंग गोल निर्णायक गोल भी साबित हो सकता है लेकिन खिलाड़ियों को उसके लिए और तेज रफ्तार के साथ खेलना होगा रणनीति को और सकारात्मक सोच के साथ खेलना है क्योंकि दोनों टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है एक दूसरे को परख चुके हैं लेकिन नतीजा के लिए दोनों टीम को लड़ना है धन्यवाद तुषार जी सही बात है ये कहीं ना कहीं दोनों ही टीम इक्वलाइजर और गोल रहित मुकाबला खेलने का प्रयास है जबकि दोनों ही टीम की ओर से एक एक गोल दागा गया है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दोनों की ओर से कोशिश जो देखा जाए कि बेहतरीन कोशिश दोनों ही टीम की ओर से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है तमाम दर्शक दीर्घाओं को और जिस तरह का परफॉर्मेंस दोनों ही टीम की ओर से लगातार किया जा रहा है दोनों ही टीम को जबरदस्त मौका मिला है दोनों ओर से कि गोल दागने का लेकिन उसमें से सफलता मात्र एक एक ही गोल दोनों ओर से अभी तक देखने को मिला है लेकिन बाकी बचे समय में क्या करता है दोनों टीम के खिलाड़ी देखना है क्योंकि दोनों ही टीम में ऊर्जावान और भरपूर स्टार के खिलाड़ियों का प्रवेश हुए हैं और कहीं ना कहीं थ्रोइंग रॉन्ग थ्रोइंग और पुनः एक बार यहाँ पर थ्रोइंग का मौका मिलेगा यहाँ मालदा की टीम को तो देखना कि बाकी बचे समय में क्या कोई अपने टीम के लिए कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए जो कहा जाता है विनिंग गोल वो विनिंग गोल किस खिलाड़ी की ओर से आता है देखने लाइक होगा जब तक अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है लेकिन पूरा एक बार देखना होगा अच्छी कोशिश और जबरदस्त कार्रवाई करते हुए इधर से ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी पुनः एक बार वहां पर फिर से एक बार कोशिश लगाया था लेकिन उतनी अच्छी क्षेत्र चंद उस जगह पर मौजूद वहां पर बरहेल के खिलाड़ी द्वारा और दोनों ही टीमें बॉडी स्टेकर जो होता है बहुत ही मजबूत दोनों लंबे चौड़े कद काठी के खिलाड़ी हैं दोनों तरफ से और देखने में मजा आ रहा है बाकी दर्शकों को यहाँ खेल जिस भावना से जिस दृष्टि से वो लोग खेल को दिखा रहे हैं कहीं दोनों ही टीम के ओर से ऐसा लग नहीं रहा कि आपस में लड़ते झगड़ते ऐसा कुछ नजर नहीं और बेहतरीन ढंग से खेल को पुनः एक बार वहां पर गोल पर अभी भी 15 नंबर के जर्सी पर है बरहेट की टीम बैक पास करते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी 5 नंबर के लिए लेकिन जब तक 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल पर हावी होते हैं वहां कहीं ना कहीं मालदा टीम के खिलाड़ी बॉल को आगे की ओर खेलने में सफल रहा और बॉल के नीचे कौन सा खिलाड़ी देखना है लेकिन वहां पर सीधे तौर पर 4 नंबर के जर्सी पर एक अच्छा शॉट लगाया है लेकिन देखना है क्या ये और सही समय पर उस बॉल पर हावी होते हुए वहां पर मालदा के कीपर द्वारा और दोनों ही टीम एक एक के स्कोर पर अभी भी बरकरार है देखना है बाकी बचे समय में क्या कर गुजरते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी
और मैं चाहूंगा नेक्स्ट मैच के लिए जो आज का चौथा मैच साबित होगा वो है, और कोशिश लगाया था वहां भी कीपर एरिया से बाहर है, लेकिन सही समय पर वहां पर सपोर्टिंग खिलाड़ी आकर बॉल को आगे की ओर धकेलने में कामयाब रहा। और आज का जो अंतिम मैच कहा जाएगा वो है चौथा मैच एफसी केवटा टीम वर्सेस झंडू बाबा एफसी घाघर जानी के बीच खेला जाना है। तो मैं दोनों ही टीम के टीम प्रबंधक से आग्रह करूंगा कि आप भी धीरे धीरे हमारे लेफ्री मंडली का जो मंच बनाया गया उस और आने का कष्ट करेंगे। जैसे ही इनका खेल खत्म होगा आज का मैच आप लोगों का होना है, तो आप विलंब ना करें, धीरे धीरे उस मंच की ओर आने का कष्ट करेंगे। एक अच्छा सा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस टच लाइन को छूते हुए बॉल पुनः एक बार थ्रिंग का मौका मिला था यहाँ पर ब्रेट की टीम को, लेकिन अच्छा हेडिंग के द्वारा बॉल को रिटेन करने में सफल रहे वहां पर अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए। लेकिन जब तक बॉल पर वहां पर ब्रेट के खिलाड़ी हावी होते, लेकिन एक अच्छा कोशिश रहा पुनः एक बार ब्रेट के खिलाड़ी द्वारा बॉल को आगे की ओर खेलने का कोशिश था, लेकिन पुनः कनु अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को अभी भी ढूंढते हुए। और जैसा ही दोनों ही टीम के बीच खेल देखने को मिल रहा है, अगर समय रखते ही अगर अपने टीम के लिए दोनों टीम के और एक गलत मिस पास के कारण कहीं ना कहीं पुनः एक बार गोल पर हावी, और शायद यहां ऑफसाइड का इशारा है, और एक छोटा सा पास देते हुए सुनील के लिए, सुनील देखना कितना बेहतरीन ड्रिबलिंग करके बॉल को आगे की ओर निकाला यहां पर आठ नंबर जर्सी चांद्राय के लिए, और क्या अच्छा शॉट लगाया है यहां पर सुनील, लेकिन सुनील का बॉल कहीं ना कहीं उस गोल फ्रेम के अगल बगल से गुजरता हुआ, अगर सही समय पर वो बॉल फ्रेम के अंदर होता तो कहीं ना कहीं आज ब्रेट की टीम 2-1 से लीड करते हुए नजर आती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। शॉट जो था वो शॉट सही दिशा में नहीं रहने के कारण अभी भी दोनों ही टीम 1-1 के स्कोर पर बरकरार है। एक अच्छा सा चेस्ट डाउन करते हुए बॉल को, अब पुनः सुनील बॉल के पीछे थे, लेकिन सुनील के कब्जे में अभी पुनः एक बार सुनील ही अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने में सक्षम रहा 11 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन जब तक वहां चंद्राय पहुंचते बॉल पर, लेकिन वहां पर पुनः एक बार 12 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं मालदा टीम के खिलाड़ी, जो बेहतरीन ड्रिबलिंग करके बॉल को आगे की ओर खेलने का कोशिश किया है, और अभी भी 12 नंबर के कब्जे में देने का प्रयास था, लेकिन अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने में असक्षम रहे। और देखना है बॉल स्लाइडिंग होते हुए बॉल को लेने में सक्षम नहीं हो पाए, और पुनः एक बार यहाँ बरहेट भोगनाडी के बरहेट के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल, एक अच्छा सा 19 नंबर के द्वारा पास किया गया, लेकिन वहां पर अपना सपोर्टिंग खिलाड़ी नहीं होने के कारण यहां आउट एरिया से जो खेल रहे खिलाड़ी उसके कब्जे में बॉल है। यहाँ देखना है पुनः एक बार बॉल, लेकिन जब तक सही दिशा में बॉल को भेद पाते हैं सुनील के कब्जे में बॉल, सुनील क्या मस्त ड्रिबलिंग करते हुए अभी भी बेहतरीन छकाव के साथ बॉल को निकालने का कोशिश था, लेकिन वहां सही समय पर पहुंच चुके वहां मालदा के खिलाड़ी द्वारा बॉल को निरस्त करते हुए। यहां पुनः एक बार चंद्राय बॉल के पीछे भाग रहे, लेकिन चंद्राय के सर से टकरा कर बॉल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं टच लाइन से बाहर होते हैं, और थ्रोइंग का मौका मिलेगा यहाँ एक मालदा की टीम को, और पुनः एक बार थ्रोइंग का जिम्मा संभालते हुए यहाँ पर मालदा के खिलाड़ी द्वारा, और बॉल को हाँ में लहरा दिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ इसी के साथ हमारे देवीदन जी का ये